हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके आया हूं, और वो है डज एजी मतलब सिल्वर डिजोल्व इन CuSO4 सॉल्यूशन, एक्वा फॉर्म का सॉल्यूशन है। आज मैं सिर्फ ये क्वेश्चन सिखाने वाला हूं, ऐसा नहीं है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एकदम आसानी से। सबसे पहले बेसिक थ्योरी समझ लो, इसके बाद आपको ये आंसर नहीं लेकिन इसके जैसे कई क्वेश्चन आएंगे, सबके आंसर तुमको आ जाएंगे। बराबर, डिसॉल्व होने का मतलब क्या है? मान लो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है ये CuSO4 का, और मैंने इसके अंदर एक मेटल रखी, ये है मेटल। ये सॉल्यूशन अभी मैं किसका है वो बताता नहीं हूं, ये कॉपर सल्फेट का उदाहरण दिया है, लेकिन ये कॉपर सल्फेट हो सकता है, जिंक सल्फेट भी हो सकता है, FeSO4 भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम ये सोचेंगे, ये जो हमारा रॉड है या वायर है ये डिजोल्व होता है, उसका मतलब क्या? तो डिजोल्व का मतलब ये होता है M सॉलिड फॉर्म में है और वो M एक्वा फॉर्म में चला जाता है तो हम कहेंगे वो डिजोल्व हो गया। लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में से एक्वा फॉर्म में जब चला जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहां 1+ आएगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहां 2+ आएगा, तीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये 3+ आएगा। मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतने प्लस यहां हम लिखेंगे। तो डिजोल्व होने का मतलब ये हुआ कि सॉलिड फॉर्म में से एक्वा फॉर्म में हम चले गए। हम ये लिखेंगे यहां एन और यहां एन, क्यों? कुछ भी हो सकता है इसलिए। तो फिर से डिसॉल्व होने का मतलब यह होता है कि सॉलिड फॉर्म में से एक्वा फॉर्म में जाना। सॉलिड फॉर्म में से एक्वा फॉर्म में जाना उसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन होना। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि कॉपर सल्फेट के अंदर अगर हमने एजी का वायर रख दिया या एजी का रोड रख दिया तो क्या वो डिसॉल्व होगा? तो डीजल होगा कि नहीं, बस यही हमको फाइंड करना है, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं वो हमको फाइंड करना है। तो करेंगे क्या? हम फाइंड करेंगे E0 सेल की वैल्यू। तो करेंगे क्या? जो सॉल्यूशन होता है उसके रिडक्शन पोटेंशियल में से, जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसके रिडक्शन पोटेंशियल को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। ऐसा करने से पॉसिबिलिटी इतनी होती है, 0 हो सकता है आंसर, या उसका आंसर नेगेटिव हो सकता है या उसका आंसर पॉजिटिव हो सकता है। अगर आंसर 0 आता है या नेगेटिव आता है तो उसका मतलब यह हुआ कि डिसॉल्व नहीं होगा। अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो उसका मतलब यह होगा कि डिसॉल्व होगा। अब देख लेते हैं क्या पूछा है। एजी डिसॉल्व इन CuSO4 सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन किसका है? कॉपर सल्फेट का। कॉपर की वैल्यू कितनी है? 0.34। तो 0.34 माइनस 0.80, तो ये माइनस में कीमत है तो 6 आएगा, 7 में से -1, आंसर कौन सा आया? नेगेटिव। अगर आंसर नेगेटिव आता है उसका मतलब ये हुआ कि सिल्वर का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। सिल्वर का ऑक्सीडेशन नहीं होता है उसका मतलब ये हुआ कि सिल्वर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक, चलो अब ये सिल्वर को निकालो। हमें पूछा है Au मतलब कि गोल्ड, तो ये जो गोल्ड है वो कॉपर सल्फेट के अंदर डिजोल्व होगा। तो करेंगे क्या? इसकी वैल्यू में से इसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर होगा। देखो कॉपर सल्फेट तो हमारे पास है तो 0.34 वोल्ट माइनस इसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो 1.40, तो 1.40 0.34 ये 6 गया, ये 0 1, मतलब कि -1.06 वोल्ट। ये आंसर कौन सा आया? नेगेटिव। अगर आंसर नेगेटिव आता है उसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड का वायर या गोल्ड का रॉड या गोल्ड का वेसल कॉपर सल्फेट के अंदर डिजोल्व नहीं होता है। चलो एक काम करते हैं, इसको भी हटाओ। मैंने लेड ले लिया तो यहां
इसको हटाओ, मैंने लिखा यहां पीबी ले, ये कॉपर सल्फेट में डिजोल्व होगा, तो देखो सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, तो कॉपर प्लस 0.34 माइनस ले, लेड की वैल्यू कितनी है माइनस 0.13, तो 0.34 प्लस 0.13 मतलब कि 7401। ये आंसर कौन सा आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव आता है उसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन होगा, पॉजिटिव आता है उसका मतलब ये हुआ कि लेड का ऑक्सीडेशन होगा, लेड का ऑक्सीडेशन होगा मतलब कि लेड डिसॉल्व होगा। तो याद रखो कॉपर सल्फेट के अंदर ये भी डिसॉल्व होगा, ये भी डिसॉल्व हो सकता है, ये भी डिसॉल्व होगा, ये भी डिसॉल्व होगा। ईएमएफ सीरीज में कॉपर के नीचे जितने भी मेटल आती है वो सब उसके अंदर डिसॉल्व होती है, लेकिन कॉपर के ऊपर जो आती है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होती, बराबर। चलो अभी मैंने CuSO4 लिया, चलो इसको निकालो। ये CuSO4 को हमने निकाल दिया, हमने ले लिया जिंक सल्फेट, तो ये ले लिया हमने जिंक सल्फेट। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर एक बार लेंगे हम एल्यूमिनियम, 10 एल्यूमिनियम डिसॉल्व इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, तो क्या करेंगे हम, वैल्यू किसके रखेंगे पहले, सॉल्यूशन किसका लिया हमने जिंक सल्फेट का, तो जिंक की वैल्यू कितनी है माइनस 0.76 वर माइनस। अब रोड किसका है, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम माइनस 1.66, तो माइनस 0.76 प्लस 1.66, इसमें से निकालो आंसर कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा उसका मतलब यह हुआ कि रिएक्शन होता है, पॉजिटिव आंसर है उसका मतलब यह हुआ कि रिएक्शन होता है, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन होता है उसका मतलब यह हुआ कि अगर हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर एल्यूमिनियम का वायर रखा तो डिसॉल्व होगा, उसका रोड रखा तो डिसॉल्व होगा, अगर एल्यूमिनियम का हमने वेसल रखा तो वो भी धीरे 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 उसका कोरोजन होता जाएगा, वो डिसॉल्व होगा। और इसके हम ये भी बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम के वेसल के अंदर कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते। मेरे ख्याल से आपको कई सारे क्वेश्चन इसके अंदर से मिल गए, सिर्फ एक नहीं, यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है लेकिन हम कितने सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, इसकी पैर में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसकी पैर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसकी पैर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी हो सकता है 7, तो कम से कम 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन के आंसर, ये तो जितने ये लिखे हैं इसमें से आपकी बुक के अंदर EFF सीरीज है, इसमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। काम एक ही करना है, क्या करना है, जो सॉल्यूशन होता है उसके रिडक्शन पोटेंशियल में से, जो सॉलिड फॉर्म होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर जीरो या नेगेटिव वैल्यू आती है तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, डिसॉल्व नहीं होता है। मेरे ख्याल से आज का लेक्चर आपको बहुत काम आएगा, ठीक। दूसरे लेक्चर में हम सीखेंगे कि कॉपर HCl के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है लेकिन HNO3 में डिसॉल्व होता है, क्यों, तो राह देखिए, बाद में मिलते हैं।